नेट कनेक्शन आपका चला गया था। तो नहीं देखो, पांचवा वाला क्या है, ये बता रहा इन हाउ मेनी वे कैन फॉल प्राइसेस। Among five students, when condition दे रहा है, first बता रहा है, no student get more than one prize. No student get more than one prize. मतलब एक ही स्टूडेंट एक ही प्राइज मिलेगा उसको। सेकंड बता रहा है, a student can get may get any number of prizes, any number of prizes third one no student get all the prizes. कि एक बच्चे को सारा प्राइज नहीं मिल जाए, ठीक है, कुछ प्राइजेस बस चारों के चार प्राइज नहीं मिलना चाहिए। और ध्यान सुनिएगा, प्राइस चार है बच्चे पास है ना, मतलब फोर प्राइजेस हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, पांच। आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे प्राइजेस के हिसाब से, ठीक है, प्राइस के हिसाब से सोचोगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो इसमें क्या करना है आपको, इन टर्म्स ऑफ प्राइस सोचना, इसके हिसाब से सोचोगे तो आज आंसर आ जाएगा। पहले क्या बता रहे कि नहीं, नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन वन प्राइज, मतलब एक को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, एक को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ फर्स्ट प्राइज, ठीक है, काम करते हैं कुछ अलग तरीके से बनाया गया, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, देन आई हैव लास्ट वन दैट इज फोर्थ प्राइज, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट मेडल। तो अगर आप फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट को देना चाहोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे फर्स्ट प्राइज देने के, आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, आप कितने बच्चे को दे सकते हो, आप किसी बच्चे को दे सकते हो ना, पांच में से किसी को भी दे सकते हो। तो
और यहाँ फाइव है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पांच, ठीक है, मतलब कितने तरीके हो गए, पांच तरीके हो गए। अब अगर स्टूडेंट है सपोज ए बी सी डी बराबर फाइव स्टूडेंट है, तो फर्स्ट प्राइज सपोज किसी एक को मिल गया है ना, ए बी सी डी ई, किसी एक को मिल गया, सपोज अगर आपने ए को दे दिया, ए का पत्ता खत्म हो गया है ना, मतलब ए को आप दोबारा नहीं दे, दोबारा प्राइज वो दे नहीं सकते हो, तो सेकेंड प्राइज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, वन टू थ्री फोर, कितने ऑप्शन रहेंगे, चार, तो कितने हो जाएंगे, चार है ना, सपोज आपने बी को दे दिया, होगा ना किसी ना किसी को। थर्ड प्राइज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, तीन बराबर, और फोर्थ प्राइज के पास कितने ऑप्शन है, तो कितने आ गए आंसर, फर्स्ट के कितने आंसर आ जाएंगे, फाइव क्रॉस फोर इंटू थ्री इंटू टू, मतलब ये आ जाएगा 120, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 120 बराबर। तो बताइए यहाँ पे किसी को डाउट है, फर्स्ट प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में किसी को डाउट है, फर्स्ट प्रॉब्लम में किसी को डाउट है तो बताइए, तो आपको समझ में आया होगा है ना, सिंपल है, समझ में आया होगा। सेकंड, अ स्टूडेंट मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, एक बच्चे को कितने प्राइजेस मिल सकते हैं ना, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं बता रहा है आपको, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का, सेकंड का आंसर क्या होने वाला है बताओ, प्राइस के हिसाब से ही आपको सोचना है, प्राइस के हिसाब से ही आपको सोचना है, फिर ले लो ए बी सी डी बराबर, फर्स्ट प्राइस देने का कितना ऑप्शन है आपके पास, पहला प्राइस आपके पास देने का कितना ऑप्शन है, पांच ऑप्शन रहेंगे ना बराबर, पांच ऑप्शन रहेंगे, सपोज अगर आपने ए को दे दिया, ए को मिल गया प्राइस, अभी एक चीज बता रहा है कि स्टूडेंट मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, इसका मतलब उस बच्चे को अगर एक प्राइज मिल भी गया हो तब भी उसे दोबारा भी मिल सकता है ना, तो सेकेंड प्राइज देने का कितना ऑप्शन है, पांच ही बेस होंगे ना आपके पास, सेकेंड प्राइज देने के लिए कितना ऑप्शन रहेंगे, पांच, क्योंकि आपने अगर ए को दे दिया हो तो फिर आप सेकेंड टाइम भी, सेकेंड प्राइज भी आप उसको दे सकते हो है ना, थर्ड प्राइज उसके पास भी पांचवी ऑप्शन रहेंगे, ये पांचवी ऑप्शन रहेंगे बराबर, ठीक है ना, इसे ऐसे समझ लो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ना सर फर्स्ट प्राइज उसको मिल गया तो सेकेंड प्राइज कैसे मिलेगा है ना, इसे आप ऐसे समझ लो कि ना कॉलेज में या स्कूल में क्या चल रहा है, क्विज चल रहा है, एक हिस्ट्री का चल रहा है, एक जनरल नॉलेज का चल रहा है, एक मैथ का चल रहा है, एक साइंस का चल रहा है, पांचों ने ये किया मतलब पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसा हो सकता है ना जो हमारा कैंडिडेट बच्चा है ए, वो हिस्ट्री में भी मिल गया उसे प्राइज, जीके में मिल गया, मैथ्स में मिल गया, साइंस में मिल गया, ऐसे उसे आप देख सकते हो, ये पैटर्न है बराबर। थर्ड, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, एक बच्चे को सारा प्राइज नहीं मिलना चाहिए, हाँ ऐसा हो सकता है कि ना ए आया, ए को मान लो दो मिल गया, ठीक है, बी को वन मिल गया, सी को वन मिला, हाँ या पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि ना बी को तीन मिल जाए, एक बी को वन मिले बाकी को जीरो जीरो, लेकिन किसी एक को, किसी एक बच्चे को चारों का चारों प्राइज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, किसी एक बच्चे को चारों का चारों प्राइज नहीं मिलना चाहिए, तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा बताओ, क्योंकि वैसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगर आपने यहाँ पे प्राइस के हिसाब से सोचा, समझ रहा ना,
किसी को दो, किसी को तीन, किसी को एक, तो वो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा आंसर लिखना कितना आ जाएगा, 5 5 5, दैट मीन्स 5 to 4। ठीक है, तो ये आ गया 625। थर्ड का आंसर कोई बताओ, थर्ड वन का आंसर बताइए कोई। थर्ड वन का आंसर बताओ, तब तक हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर लिख। ठीक है, थर्ड आंसर को बताए। थर्ड किसी का आया, थर्ड कैंसर किसी का आया क्या? नहीं, चलो ऐसे सोचे टोटल नंबर ऑफ वे of distributing the prizes ye itna maine likha tha isse hatate hain ek pad se ke hamara ho gaya na ab se kaam nahi hai। इसे ऐसे सोच सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज। Our student can get any number of prizes minus number of ways of distributing the prizes when a particular student gets all the prizes। ठीक है, तो ये समझ जाओ क्या हम लिखने जा रहे हैं। हम यहाँ पे लिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस व्हेन अ स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके हो सकते हैं टोटल जितने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने का, माइनस हमने क्या किया
एक केसेस लिया वहां पे कि एक बच्चे को सारे प्राइजेस मिल गया। अब देखो इसके अंदर ये चीज आ गया ना कि ना नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, टोटल माइनस हमने क्या किया स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, ठीक है बराबर। तो थर्ड का आंसर तो हमारे पास पहले से है, क्लियर है ना, क्योंकि ये केस में क्या आ गया, ये केस में एक बच्चे को कुछ ही मिल सकता है सिवाय एक को पांच नहीं मिले, तो इसमें क्या हो गया, इसका आंसर हमने पहले निकाल दिया। मतलब बेसिकली है क्या, ये फर्स्ट जो हमने केस किया है टोटल नंबर ऑफ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस व्हेन ए स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब सेकंड की बात कर रहा है वो, है ना। सेकंड में हमारा आंसर कितना आया था, 5:4 माइनस। अब बताओ एक बच्चे को प्राइजेस देने का नंबर ऑफ वेस्ट क्या होगा, सपोज हमने ए को दे दिया पूरा प्राइजेस एक तरीका, बी को दे दिया उसके लिए भी कितना होगा एक ही होगा, सी के लिए भी एक होगा, डी के लिए भी एक होगा, ई के लिए भी एक होगा, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, पांच हो गया ना। मतलब पांच तरीके हो सकते हैं जहां पे बच्चे को, उस स्टूडेंट को क्या मिल सकता है, सारे प्राइजेस हो सकते हैं। वो बच्चा कोई भी हो सकता है ना, या तो ए हो जाए या फिर बी या फिर सी या फिर डी या फिर ई, मतलब 1+1+1+1+1 कितना आ गया 5, तो वी गेट 625 माइनस 5 कितना आ गया हमारा आंसर, तो 5 इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना, मेन क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नंबर 6, नंबर 6 का बताइएगा, नंबर 6 तो नंबर 6 का बताओ फटाफट क्या होगा आंसर, कोई रेस्ट्रिक्शन वहां नहीं लगा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, एक बच्चे को पूरा मिल सकता है प्राइज नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ओके चलिए बताओ पटकन बताओ। इसके हिसाब सोचना आपको, टॉय के हिसाब से सोचना है, टॉय के हिसाब से, तो पहला टॉय देने का नंबर ऑफ वेस्ट कितने हैं, पांच रहेंगे ना, अरे पांच बच्चे या पांच मेज रहेंगे ना, दूसरा टॉय देने के लिए क्या रहेंगे कितने मेज रहेंगे, फिर से पांच ही रहेंगे ना, तीसरा टॉय देने के लिए पांच तरीके रहेंगे, कहां तक अप टू 8 टाइम 5:2 क्या कैलकुलेट मत करना, एक मिनट रहने देना, 5:8 बराबर। एट कहां से आ गया, नहीं नहीं गलत है, 32,768 नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 की पावर हो रहा है ना, तो लास्ट डिजिट 5 ही बनना चाहिए, हाँ जो भी हो 5:8 होगा, हाँ ठीक है 5:8 बनेगा। अब एक कहते हैं लेटर बॉक्स वाला, ये भी वैसे ही है, नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे, ये आपको पता लगाने के लिए बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट फाइव लेटर्स
7 लेटर बॉक्स है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर इन लेटर बॉक्स। खत लिखे हो किसी को? लेटर नहीं, वो जमाना गया है ना, तो फेसबुक व्हाट्सएप ये सब मिल जाता है, लेकिन है ना शॉर्टकट। चलिए तो सपोज तुमने किसी को खत लिखा है या बहुतों को लिखा है ना, 5 लेटर है, 5 को लिखा पोस्ट बॉक्स से, इमेजिन करो, और आपके पास बॉक्स 7 छोटा बॉक्स बनाते हैं ना, कहा निकल जाएगा, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए लेटर बॉक्सेस। क्या हो गए? जहां पे आप लेटर वो देखोगे ना पोस्ट ऑफिस में लाल रंग का रखा रहता है, हाँ कभी करता है वहां पे लेटर रखने के लिए। चलो तो आपके पास 5 लेटर्स है, कितने लेटर्स है? 5, 15, 15, उसे आपको लगाने हैं यहाँ पे, किसी बॉक्स में लगा सकते हैं। और कहानी क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, समझ रहे हो, यहाँ पे 5 आ सकते हैं, नंबरिंग दे देते, चलो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी हो सकता है कि ना आपने इसमें पूरे के पूरे डाल दिए, मतलब 5 लेटर डाल दिए बराबर, बाकी में 0, 0, 0, ऐसा भी हो सकता है किसी में 1, 1, 1, 1, 1, 1, बाकी का 2 छूट गया, वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो कितने तरीके हैं आपके पास यहाँ पे लेटर को बॉक्स मतलब पोस्ट करने के लिए। कहानी में कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी बॉक्स में 2 होना चाहिए, किसी में 1 होना चाहिए, किसी में 3 होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? ये 100 बता रहा हूँ, कैसे आ रहा है बताओ 100? हंड्रेड बताया जा रहा है, बताओ कैसे आ रहा है 100? हंड्रेड बता रहा है, और कोई रिजल्ट? क्लास 12 के बच्चे आप लोग तो बता सकते हो ना, मैं 1 साल हो गया है ना, भूल भी गए होगे अभी तक, आप बताइए कितने होंगे, वेट कितने होंगे, किसके हिसाब से आपको सोचना है वो चीज देखना हमेशा, जिसको दोगे, सॉरी जिसे दोगे है ना, मतलब लेटर देखो ना, लेटर, ठीक है ना, मतलब लेटर को पोस्ट करना है पोस्ट बॉक्स में, तो आप हमेशा जैसे यहाँ पे हमने आपको बता दिया था इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस के हिसाब से आपको सोचना है, तो यहाँ पे आप किसके हिसाब से सोचोगे? खत के हिसाब से सोचोगे, लेटर, ठीक है, लेटर के हिसाब से सोचोगे। चलो फर्स्ट लेटर आया तुम्हारे पास, ओके, इसे पोस्ट करने का कितने वेज है आपके, कितने तरीके है? आप यहाँ रख सकते हो, आप सेकंड में रख सकते हो, आप थर्ड में रख सकते हो, आप फोर्थ में रख सकते हो, फिफ्थ में रख सकते हो, सिक्स में, सेवन में। तो फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के लिए फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड बाय 7 वे, 7 तरीका है उसके पास, कितने तरीके हो गए? 7 वे। सपोज आपने अगर यहाँ पे रख दिया सेकंड, एक खत सेकंड में रख दिया, बराबर, सेकंड लेटर आया, सेकंड लेटर को पोस्ट करने के लिए कितने तरीके, कितने तरीके रहेंगे? अरे जिसमें रख दिया आप उसमें भी रख सकते हो, तो कितने होंगे? 7 में ही रहेंगे ना,
रिस्ट्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो कितने हो गए? 7 वेज। थर्ड के लिए कितने वेज हो गए? थर्ड के लिए कितने वेज हो गए? वो भी तो वही हो गया ना, कितने हो गए? 7 वेज। फोर्थ के लिए कितने हो गए? फोर्थ लेटर के लिए कितने वेज हो गए? 7 वेज। ठीक है, फिफ्थ के लिए कितने हो जाएंगे? 7 तरीका। क्या ये आपस में ये डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है? एक साथ हो रहा है कि मतलब अलग अलग हो रहा है? एक ही साथ हो रहा है ना, एक के बाद एक हो रहा है। पहले आप फर्स्ट लेटर को पोस्ट करोगे, फिर आप सेकंड को पोस्ट करोगे, है ना, फिर आप थर्ड को पोस्ट करोगे, फिर आप फोर्थ को पोस्ट करोगे, फिर आप फिफ्थ को पोस्ट करोगे। क्लियर? इसका मतलब सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो गए? 7। डायरेक्ट लिखे क्या आंसर? 7:5 आएगा। ठीक है, 7:5 आएगा। ओके, इतने तरीके आपके पास हो सकते हैं लेटर को पोस्ट करने के लिए। ठीक है, इतने तरीके आपके पास हो सकते हैं लेटर को पोस्ट करने के लिए। पास ना तो एक काम करो, 5 तक लिखो, कल जाकर पोस्ट करो, इतने तरीके होंगे। 7:5। हाँ, करने मत चला जाना फिर। आगे बढ़े, किसी को डाउट है इसमें बताओ? सेम चीज का है ना, प्राइस, स्टूडेंट, खत, पोस्ट, सेम ही चीज हो रही है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप बताना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 4 पार्सल। थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई या पास्ट तक चला गया है ना। इन 5 पोस्ट ऑफिसेस, मतलब सपोज आपके पास घर के पास 5 पोस्ट ऑफिसेस है, हालांकि होता नहीं है लेकिन फिर भी अज्यूम कर लो। तो आपके पास 4 पार्सल है, तो कितने तरीके होंगे वो पार्सल को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने का? हाँ, कितने तरीके होंगे आपके पास उस पार्सल को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने का? कैसा मुझे आप सही से बताना। हाँ, इसका आंसर आप मुझे सही से बताइएगा। उसी की तरह है लेटर ऑफ पोस्ट बॉक्स की तरह। यहाँ पे आप पार्सल के हिसाब से सोचोगे, किसके हिसाब से सोचोगे? पार्सल के हिसाब से। बताइए, अभी तक का आंसर भी आ जाना चाहिए। तो बताया क्या? नहीं, जल्दी बताया। पचास कैसे आया?
दस तो नहीं आना चाहिए। कितना आया सर? किसी का नहीं आया? दिमाग में बैठ के आ गया क्या तुम लोग कहीं से? सेम प्रॉब्लम बता रहे तीन से चार बार, फिर भी नहीं आंसर बता रहे। फाइव डेज टू फोर, हाँ बिल्कुल सही जवाब, फाइव डेज टू फोर सही है। क्योंकि एक पार्सल के लिए पांच तरीके रहेंगे, सेकंड के लिए भी पांच। हाँ बिल्कुल सही जवाब, फाइव डेज टू फोर। ठीक है, अब कुछ गधे होंगे जो उसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे फाइव इंटू फोर, हाँ वो मत करना। इसी तरह एक और बता, अभी तो क्या करा रहे हैं, नो रेस्ट्रिक्शन ना। अब कुछ देर के बाद रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी में एक कर लिया आपने, किसी में दो कर लिया, ठीक है बराबर। सब कुछ क्लासेस के बाद वो सब आना स्टार्ट होगा, जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा तब तक वो सब कहाँ बना पाओगे? तो भी चलिए लिखे नेक्स्ट वाले। देयर आर 10 लैंप्स इन ए हॉल, ठीक है ना सर? देयर आर 10 लैंप्स इन ए हॉल, किसी के पास एक बहुत बड़ा हॉल है, उसने वहां पे 10 लैंप्स लगा के रखे हैं, 10 लैंप बता रहा है। इच वन ऑफ देम, इच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन, इच वन ऑफ देम कैन बी स्विच ऑन इंडिपेंडेंटली, मतलब सबके सारे के क्या स्विच अलग अलग है बराबर, दसों लैंप के अलग अलग स्विच होंगे। हाँ समझते हो ना, ऐसे देखते ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच the hall can be illuminated, मतलब कितने तरीके से हॉल हमारा जल सकता है ना, मतलब ग्लो कर सकता है, लाइट जल सकता है ना। एक लाइट भी जल गया फिर भी वो देगा रोशनी, है ना? तो लाइट रहेंगे, दो लैंप जलेगा फिर भी वो रोशनी देगा, तीन लैंप रहेंगे फिर भी वो देगा रोशनी। तो ऐसे कितने तरीके होंगे हॉल को इल्यूमिनेट करने का, बराबर है? मतलब आपने क्या किया, किसी पांच को ऑन कर लिया, पांच को ऑफ कर लिया, है ना? ये एक तरीका बनता है। आया समझ में ना? किसी पांच को आपने ऑन कर लिया, किसी पांच को आपने ऑफ कर दिया, किसी नॉब को आपने ऑन कर लिया, एक को छोड़ दिया, तो वो भी तरीका बनेगा। ओके, तो कितने तरीके बनेंगे, हाँ कितने वेज होंगे उस कमरे को, उस हॉल को रोशनी करने के लिए? कितने तरीके होंगे उस हॉल को रोशनी करने के लिए? अपने किसी का नाम नहीं है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे आप स्विच के हिसाब से सोचोगे, जैसे मान लो
इसके दो पॉसिबिलिटी है ना, ऑन ऑफ, बराबर। कितने पॉसिबिलिटी है इसके? दो तरीके, दो तरीके उस बल्ब को जलाने का, मतलब एक नहीं जलेगा एक जलेगा, है ना। तो दो तरीका। सिमिलरली अगर सेकेंड की बात हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी दो ही तरीके होंगे, है कि नहीं? ऑन ऑफ वैसा। चलते चलते अगर आप दस्ते के पास जाओ, ऑन ऑफ, तो ये भी हमारा दो ही तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स क्या हो? टोटल नंबर ऑफ वेव्स स्विच कैन वर्क, है ना। कितने तरीके हो सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहानी बन रहा है ऑन ऑफ की, है ना। तो कितने तरीके होंगे स्विच को वर्क करने का? अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं वो जलेगा या नहीं जलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। हमें सिर्फ ये अभी पता करना है कि कितने तरीके हो सकते हैं स्विच को काम करने के। तो कितने तरीके हो सकते हैं? 2 raised to 10, है ना, समझ ना। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 dot 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 up to 2। तो कितने तरीके हो सकते हैं जहां पे स्विच हमारा काम कर सकता है? अब सोचो इनमें से, इसमें से एक तरीका ऐसा होगा जहां पे लाइट हमारे क्या होंगे, सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। अगर सपोज आपने फर्स्ट स्विच को ऑफ कर दिया, है ना, सेकंड स्विच को भी आपने ऑफ कर दिया, थर्ड को भी ऑफ किया, उसी तरह जितने भी कम लाइट है सारे को आपने क्या क्या किया, ऑफ ही कर दिया। तो ऐसा एक ही मेथड हो गया, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके पास वन वे होगा ये करने के लिए। बाकी आप कोई भी वे अगर सोचो, कुछ भी आप लेते हो, जैसे मान लो एक दिखा रहे ऑफ, ठीक है, ऑफ, इसे ऑफ लिखा, चार भी ऑफ ले लो, 5, 6, 7, 8, लास्ट में ऑन किया, फिर यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है, मतलब 9 स्विच जो है हमारा ये आपका हो गया ऑन, बाकी हो गया ऑफ। इस कंडीशन में भी हमारा क्या हॉल लाइट होगा उसमें, है ना, उस कंडीशन में भी हमारा हॉल हमारा इल्यूमिनेट होगा। तो एक ही तरीका होगा कि सारे लाइट अगर ऑफ हो जाए तो उस कमरे में रोशनी नहीं आएगी, बराबर है। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वेव्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा, कितने तरीके होंगे? 2 raised to 10 माइनस एक तरीका, एक तरीके में जहां पे सारे स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में, सारे स्विच क्या है हमारे ऑफ कंडीशन में, ठीक है, सारे स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में है, वो कंडीशन को हटाकर इतने तरीके हो सकते हैं आपके पास उस कमरे को रोशनी करने के लिए। ओके, तो बताओ यहां पे किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बताइए इसमें। डाउट है क्या? नो सर, वेरी गुड। अच्छा, एक प्रॉब्लम आप घर पे कर लेना, सिर्फ एक प्रॉब्लम, जब आपकी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।
बाकी आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने स्टार्ट कर सकते हो। तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये आप घर पे कर लेना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 बॉल कैन बी पुट इनटू 5 बॉक्सेस। 20 डिफरेंट बॉल लिख सकते हैं, 20 डिफरेंट बॉल मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो गया है ना, बराबर। बॉक्स भी डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं, सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट वन बॉल, ठीक है। मतलब 20 डिफरेंट बॉल्स है आपके पास और आपको यहां पे क्या करना है, 5 बॉक्स को 5 बॉक्स में ये फिट करना है। पहला बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉल आना चाहिए, बाकी में कंडीशन नहीं दिया हुआ है, बाकी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं। तो ये आप बताना। नेक्स्ट बात, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा फैक्टोरियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, वो आप लिखिएगा फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसे डिनोट कैसे करोगे, एन फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मार्क, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो एस एन, ठीक है, मतलब सीधा एस। तो ये हो जाता है एन फैक्टोरियल, ये तो गया सिंबल। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका मतलब आपको n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री डॉट 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 थ्री टू वन वन पे स्टॉप, वन पे स्टॉप। हाँ, ठीक है, n क्या होना चाहिए, n यहाँ पे होल नंबर लिख सकते हैं, बराबर, ठीक है ना, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ, बराबर। तो ये लिख लीजिएगा पहले, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड, लिख लीजिएगा ये, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स की फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होती है। दूसरा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तीसरा, एन फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर, एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो होता क्या, पहले ये देखो, अगर मान लो आपके पास स्टार्टिंग से करवाते हैं 1 2 3 4 है ना, तो जीरो फैक्टोरियल तो पहले लिख लिया, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, ये आपको लर्न करना है जीरो फैक्टोरियल।
माइनस वन फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल कहीं दिख जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना, कोई बिल्कुल तुमसे पूछ ले माइनस टू फैक्टोरियल की वैल्यू बता देना नहीं होता है ना, बराबर वो डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब अगर वन फैक्टोरियल की बात करें तो वन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा भाई, वन, अरे एन के जगह वन लिखा वन पे स्टॉप होना है, ऐसा नहीं वन माइनस वन, ठीक है वन माइनस वन करेगा तब तो जीरो आ जाएगा बराबर, इसका एन वन आया स्टॉप बराबर, मतलब जहां से है टू रहा, अगर समझ में आ जाएगा आपको टू फैक्टोरियल आ गया इसका मतलब टू लिखना है वन लिखना है खत्म, कहा कितना आ गया टू, हाँ थ्री फैक्टोरियल आ गया कितना लिखोगे, लिख दोगे आप थ्री टू वन फैक्टर कर लिया सिक्स आ गया, हाँ बराबर फोर फैक्टोरियल आ गया क्या क्या हो गया फोर थ्री टू वन कितना हो गया 24, ओके फाइव फैक्टोरियल की बात आई तो फाइव फैक्टोरियल मतलब क्या आ गया पांच चार तीन दो एक कितना हो गया 100 बराबर, सिक्स फैक्टोरियल की बात आ गई इसका मतलब क्या सिक्स मतलब जहां पे है वहां तक चलते जाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में और वन पे स्टॉप हो जाना, वन के आगे मत बनना, वन पे ब्रेक लगा देना, कितना आ गया बराबर 70 होगा। टेन फैक्टोरियल की बात करें तो क्या हो गया भाई 7 6 5 4 3 2 1 मेरे हिसाब से होता है 5 0 4 0 तो यहाँ तक हमें याद है ना, यहाँ तक हमें याद है, बाकी हमें याद नहीं है तो आपको भी कोशिश करो आप यहाँ तक अगर याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा बराबर, टेन फैक्टोरियल अगर आपको याद है जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाएगी और कुछ नहीं, और आप नहीं भी याद कर सकते हो है ना, कंपल्सरी नहीं, और कुछ बात ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है ना, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर सपोज आपके पास 10 फैक्टोरियल है ना, क्या है 10 फैक्टोरियल तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 10 को बाहर निकाल लेगा, 10 को क्या करना बाहर निकालोगे तो अगर आपने बाहर निकाला तो ये क्या आ जाएगा 10 × 9 फैक्टोरियल, वो बाहर निकलेगा वो छोटा हो जाएगा, इसका मतलब अगर आपके पास सपोज 18 फैक्टोरियल है तो आप इसे क्या लिख सकते हो 18 लिखोगे फिर क्या लिख दोगे यहाँ पे 17 फैक्टोरियल, वो बाहर निकलेगा उससे कम आ जाएगा बराबर, इसी लैंग्वेज में आप समझ जाओ, ये देखो ना 5 फैक्टोरियल आया तो समझ में, ऐसे 5 फैक्टोरियल यहाँ पे हमने लिखा था 5 फैक्टोरियल 5 लिखा था 5 मल्टीप्लाइड में क्या लिखे थे सुनो 4 3 2 1 4 3 2 1 मतलब क्या होता है 4 फैक्टोरियल, ये तो हमने आपको यहीं से प्रूफ कर दिया। तो थर्ड प्रॉपर्टी का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे प्रॉब्लम में, ओके थर्ड प्रॉपर्टी का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, तो बनाया जाए पहला बता रहा है कंप्यूट, कंप्यूट मतलब भाई वैल्यू निकालना है, कंप्यूट नंबर वन बताया जा रहा है यहाँ पे 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल, नंबर सेकंड बताना चाह रहा है एलसीएम फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये बताना चाह रहा है हमें पहला कैसे बनाओगे, कुछ भी हो जाए हमेशा आप उसे ब्रेक करोगे जो बड़ा है, जो बड़ा है उसे ब्रेक करना है बराबर, मीन जो जो वैल्यू ग्रेटर है 30 एंड 28 में कौन ग्रेटर है 30 ग्रेटर है ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 30 को ब्रेक करो बराबर, टारगेट क्या होना चाहिए आपको 30 को ब्रेक करो, 30 को ब्रेक कर लो, 30 को ब्रेक कर लो, कैसे करोगे ब्रेक 30 को क्या लिखोगे, 30 लिखा 30 फैक्टोरियल क्या लिख दिया था 30 लिखा फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे 29 फैक्टोरियल बराबर, क्या लिखा 29 फैक्टोरियल, 30 बाहर आया ना, 30 बाहर आया एक कम गया अपॉन में 28 फैक्टोरियल आ गया, हाँ अभी भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, अभी क्या करोगे आप 30 लिखा आपने 29 में क्या लिखोगे 29 मल्टीप्लाइड बाई 28 फैक्टोरियल, ओके
अपॉन 28 फैक्टर ले, जैसे होते हैं ना प्लस माइनस डिवाइड, ये भी एक तरह का ऑपरेटर है बराबर, ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। तो आगे आपने देखा क्या देखा, 28 फैक्टर, 28 फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपने 29-30 किया, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा बराबर। तो यहाँ तक आपको फैक्टोरियल का कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, या बहुत कुछ समझ में आया होगा। बात आते हैं एलसीएम, एलसीएम आपको पता होगा ना कैसे निकाला जाता है, तो उसी तरीका से एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको देखते हैं, इसका निकालना है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। देख लेते हैं, देख लेते हैं आपको कैसे निकालते हैं। ऐसा करते थे ना, ठीक है चला। इसके बाद एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो छोटा नंबर लिखते हैं 2, 2, ये सब ना हम डायरेक्ट लिखेंगे 12। ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद क्या करोगे, फिर एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, ये नहीं गया, ये आ गया। हाँ? तो फिर एलसीएम क्या होगा मेरे पास, 12 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर लेते थे, ये नंबर लेते हैं, ये नंबर और ये नंबर है ना, ऐसे करते ऐसे करके लेते थे। तो 12 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ये आ गए बराबर। तो ऐसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते। ऐसे निकालने का मतलब यहाँ पे हमने क्यों सिखाया, 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल लिख लिखोगे, 10 फैक्टोरियल क्या लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हो ना 7 × 6 फैक्टोरियल बराबर है। 8 फैक्टोरियल का आप क्या लिख दोगे, 8, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल बराबर। अब आ गया खत्म, अब क्या करोगे, ऐसा नंबर जो कॉमन जाएगा तीनों में 6 फैक्टोरियल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 × 7 बराबर। फिर क्या करोगे, फिर से वही करोगे भाई, 7 यहाँ पे 1 1, फिर आ गया 8। तो अभी अगर तुमसे कोई पूछ ले एलसीएम फिर क्या होगा, अगर तो आपसे कोई अभी एलसीएम पूछ ले तो क्या बताओगे, बता दोगे अभी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 बराबर। अच्छा ध्यान सुनो, 7 × 6 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 7 × 6 फैक्टोरियल क्या बनेगा, ये बन जाएगा ना 7 × 8। उल्टा किया हमने, उल्टा किया ऐसा देख लो, 5 × 4 फैक्टोरियल क्या बनता है, बन गया ना 5 फैक्टोरियल। उसी तरह से n × n-1 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा हमारा n फैक्टोरियल, सो दैट इंप्लाइज 6 फैक्टोरियल इंटू 7, ये क्या बनेगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 के साथ 7 फैक्टोरियल कितना आ गया, 8 बराबर, 8 फैक्टोरियल आ गया। ओके दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ पे डाउट है किसी को, तो मैं आपको सीधा एक इसका डायरेक्ट बताता हूँ, तो ये समझ में आया होगा आपको क्या बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, देख लो ठीक है। तो हमने एलसीएम निकाला 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का, क्या आ गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल है ना,
इसका मतलब जो बड़ा नंबर रहेगा वो डायरेक्ट आप लिख दोगे आंसर में, है ना, कुछ ही मत करोगे। जो डायरेक्ट जो बड़ा नंबर रहेगा आप उसको लिख दोगे, मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले सपोज 88 फैक्टोरियल कॉमा 17 फैक्टोरियल कॉमा 54 फैक्टोरियल, ये काफी बड़ा नंबर है ना। और एलसीएम निकालने के लिए भी सोच रहे हो आप लोग, वो काफी लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 6 था 7 था 8 था, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर थे, इसका हमने जैसे ब्रेक कर लिया। यहाँ पे आपको 88 को 17 टाइम ब्रेक करना पड़ेगा, 17 के पास से जाना पड़ेगा, मतलब 88 into 87 समझ ना, 86 डॉटर और 7 फैक्टोरियल तक 54 को भी लाना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऐसा समझ रहे ना आपको, ऐसा क्या हो जाएगा जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, ठीक है, जो ग्रेटर नंबर होगा वो डायरेक्ट आप लिख दोगे उसका आंसर वही वाला होगा। अगर आपसे पूछे कोई एलसीएम तो, है ना, अगर आपसे एचसीएफ पूछे एचसीएफ समझते हो ना, हाई स्पॉन्स एचसीएफ क्या बन गया, जो छोटा नंबर है सपोज 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ना तो आप एचसीएफ क्या बता दो, डायरेक्ट बता दो छोटा नंबर, तो दैट इंप्लाइज अगर तुमसे कोई एचसीएफ पूछे ऑफ 100 फैक्टोरियल 8 सेकंड सपोज हमें यहाँ पे फाइंड एक्स करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स ये बता रहा है यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स ऑन 6 फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, फाइंड एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो कैसे बनाओगे तरीका, पहले बताया था जो छोटा है नंबर उससे कुछ नहीं करना है, जो ग्रेटर नंबर है मतलब 4, 5, 6 तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि 5 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे 5 फैक्टोरियल को साथ में आप यहाँ पे लिखोगे 1/4 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे 1/4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो आप लोग क्या लिख दोगे 1/ क्या 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है बराबर है ना। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल का आप लोग क्या लिख दोगे 6 into 5, जब तक 4 नहीं आएगा तब तक ब्रेक करो, 6, 5, 4 बराबर है, 4 आ गया बस काम कर। नेक्स्ट क्या होगा टारगेट आपका, देखो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल कॉमन लेके आप हटा सकते हो या फिर डायरेक्ट एक काम करते हैं कैंसिल कर देते हैं 4 फैक्टोरियल, है ना। अभी क्या आ गया हमारे पास 1 plus 1/5 = x/ अब तो सिंपल है, अब तो निकाल लो यार एक्स की वैल्यू क्या हो गया, हम लोगे तो क्या आएगा, वी हैव 6/5 = x/13 बराबर, फिर क्या करोगे ये कैंसिल आउट, सो वी आर गेटिंग 6 सो देन x = 13 या बराबर। तो ये सपोज हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था 2 का 2 देख लो x/10 फैक्टोरियल
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल. आंसर मुझे आप बता. तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इससे आप ही लोग सॉल्व करें और इसके आंसर कैसे बताना. सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है. सोनक कितना बता रहे? 100. बताया जा रहा है. और किसी का? हाँ 100 जिसका इसका है सही है. ठीक है, इसको नहीं आएगा वो देख लेना फर्स्ट फर्स्ट की तरह. हो चलिए नेक्स्ट देखो. नंबर 3 ये बता रहा है फाइंड एन इफ एन प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 टाइम्स n plus 1 factorial. Find n if n plus 3 factorial is equals to 56 into n plus 1 factorial. अच्छा तो यहां तो पहले आप ये समझो ग्रेटर कौन है n plus 3 है ना. तो यहां पे हमें किसे n plus 3 और n plus 1 में कौन ग्रेटर होगा? जैसे बात है एन प्लस थ्री ग्रेटर हो जाएगा प्रोवाइडेड एन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए ना. एन अगर नेगेटिव है तो फिर नहीं होगा, लेकिन एन पॉजिटिव ही मान के हम चल रहे. तो आप क्या लिखो, हमें ब्रेक करना है. कैसे ब्रेक करना है? एन प्लस कैसे ब्रेक करोगे सुनो ध्यान से. आपने लिख दिया एन प्लस, फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला में होना n factorial is equal to n into n minus 1 factorial, मतलब एक कम minus 1. तो n plus 3 है तो आपने क्या किया n plus 3 minus 1, n plus 3 minus 1 मतलब क्या आना चाहिए n plus 2 है ना. आपको कहां तक पहुंचना है? n plus 1 के पास पहुंचना है ना. तो फिर आप यहां पर लिखो n plus 1 factorial. क्या लिखोगे? n plus 1 factorial n प्लस 3 एक कम n प्लस 2 फिर एक कम n प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके आगे क्या हो गया? n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. ये टर्म रहेगा हमारा n प्लस 3 फैक्टोरियल n प्लस 3 ये तो रहेगा. यहां तक क्लियर होगा. आगे आप ये कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक बना लो इसे, ठीक है.
मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करो 56 के साथ, इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक आएगा, एन की वैल्यू आप वहां से फाइंड आउट करोगे, एक एक्सेप्ट होगा, एक आपका रिजेक्ट होगा, है ना। या फिर आप ये सोचो, ये एन प्लस थ्री और एन प्लस ये क्या है, दे आर द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अगर मैं 56 को, अगर 56 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो वहां से आप वैल्यू निकाल लोगे, है ना। देन वी ऑल नो एन प्लस थ्री एन प्लस टू, तो दिस इज इक्वल टू 56। 56 को आप लोग कैसे लिख सकते हो कंसेक्यूटिव दो नंबर्स में, 8 × 7, है ना, 8 × 7, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना, इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा है, 8 × 7। इसके बाद आप क्या करो, दोनों में ग्रेटर कौन है, एन प्लस थ्री, बराबर, बिटवीन एन प्लस थ्री एंड एन प्लस टू में कौन ग्रेटर है, एन प्लस थ्री है, ओके, आगे यहाँ पे कौन ग्रेटर है, 8। तो फिर आप ये कह सकते हो कि एन प्लस थ्री की वैल्यू ऑफ 8 लिखो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि ना एन प्लस टू की वैल्यू आपने 7 कर सकते हो, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। So then I get n is equals to how much? There I get n is equals to 5. अगर आपने इसे भी सॉल्व किया होता तो यहां भी आप n की वैल्यू 5 ही फाइंड आउट करोगे, है ना? ठीक है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, उससे भी आंसर आना है हमारा कंफर्म। लेकिन हाँ, ये नहीं करना कि ना n प्लस टू की वैल्यू आप 8, ये मत करना n प्लस टू की वैल्यू आप 8, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा ग्रेटर, ये जब नंबर ग्रेटर है तो ये कंपेयर हम लोग किसके साथ करेंगे, 8 के साथ, ये बस कॉमन सेंस है, ग्रेटर के साथ ग्रेटर का ही कंपेयर करेंगे, ओके। दूसरा, अगर आपने n प्लस थ्री की जगह 7 लिख दिया तो फिर हमारा आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, आप यहां तक लिख लो। एक और उसी तरह करते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एन इफ एन प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है, जाहिर सा एन प्लस टू, एन प्लस टू हमारा ग्रेटर, तो इसे आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, एन प्लस टू लिखा फिर क्या लिखोगे, एक कम होना चाहिए, दैट मीन एन प्लस वन, है ना, उससे कम एन आएगा, उससे कम क्या आने वाला, एन माइनस, स्टॉप कर देंगे, क्यों स्टॉप करेंगे, कि हमें यहाँ पे n माइनस वन मिला हुआ, तो आई कैन राइट 60 इनटू n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, स्टॉप कहाँ तक करना है, जब तक आपको वो नंबर नहीं मिल जाए, तो आप देखिए n माइनस वन कैंसिल आउट होता है, फिर से वही कहानी आ गई, आप इसे क्वाड्रेटिक बना सकते हो या फिर आप फैक्टर करके कर सकते हो, है ना, इससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगा फिर आप सॉल्व करोगे बहुत मुश्किल होगा। तो 60 को कैसे एक्सेस कर सकते हो, 5 4 3, फाइव फोर थ्री नंबर है ना, 5 × 4 × 3 की क्या होती है, इसकी बन जाएगा हम लोग, तो देखा है 5 × 4 ×
तो कंपेयर क्या करोगे किसके साथ, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, एन बराबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे कौन है सबसे छोटा, स्मॉल पी है, एन की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, एन की वैल्यू क्या लिख दोगे, ये हमारा काफी सिंपल है ना, जब कॉपी कर ले। ये पांच वाला होमवर्क है, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल, इस टू मतलब रेशियो के टर्म में है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2:1, निकालना क्या है n, मतलब प्रॉब्लम ऐसा समझ लो, फाइंड n इफ, ठीक है, अगर वो रेशियो दिया हुआ है तो फिर हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है चलो फिर यहीं तक आज के क्लास में है, फैक्टोरियल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके आगे आपको परमुटेशन पढ़ाया जाएगा, ओके, इसके आगे परमुटेशन पढ़ाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा कि एन फैक्टोरियल पढ़ रहे इसका एप्लीकेशन कहाँ लगेगा, ये तो पर्सनल पर्सन है होगा, एन फैक्टोरियल का एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो इसे हम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ, और टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम्स है मतलब जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है वहां से आप स्टार्ट कर दो बनाना, सॉल्व करना, चैप्टर के साथ चलोगे तो फिर सही रहेगा, बराबर, ऐसा हो गया सरकारी दफ्तर की तरह रख रहा हो ना, वो बोझ डाल के कि ना हाँ जब करेंगे टाइम आएगा तो बनाएंगे, एग्जाम आएगा तो बनाएंगे, तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है, बराबर, तो जो पढ़ाया जाए उसी के हिसाब से अगर आप चलो तो फिर सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ओके, आपका हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा तो हो ही जाएगा, आपका हो जाएगा, वो हम बता रहे हैं, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है, फेसबुक के जो प्रॉब्लम्स है अगर आपको दिखे फैक्टोरियल कोई भी बुक में जो भी आपके पास बुक होगा फैक्टोरियल के प्रॉब्लम्स मिलेगा ही, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज देखना अगर आप स्टैंडर्ड बुक मतलब पोस्ट बुक फॉलो कर रहे हैं या कोई भी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा या मे बी फैक्टोरियल मिल सकता है, फर्स्ट एंड सेकेंड में ही आपको ऐसे कुछ मिल जाएंगे, बुक्स के नाम अगर बता दोगे नेक्स्ट क्लास में आप सर ये बुक फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम आपको एक्सरसाइज भी बता देंगे, इस एक्सरसाइज से आप बना सकते हो, चलिए ठीक है फिर अभी मीटिंग एंड करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।